गांव में रात को इलाज करने गए व्यक्ति की हुई थी संदिग्ध मौत। नेगवा के ग्रामीणों ने लगाया छतरपुर के चौबे तिराहे पर जाम। छतरपुर के चौबे तिराहे पर नेगवा गांव के तमाम ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। एनएच पर चक्का जाम होने की वजह से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। आपको बता दें, ग्रामीणों का आरोप है कि भोला राम उर्फ संदीप प्रजापति, जो गांव में डॉक्टरी का कार्य करता था, और उसे भुल्ली अहरवार नाम के व्यक्ति ने रात में 15 अक्टूबर को फोन करके बुलाया, और इसके बाद पूरी रात भोला राम अपने घर वापस नहीं लौटा। जब परिजनों ने ढूंढा, उसके बाद भोला राम की सुबह खेत में लाश मिली थी। परिजनों का आरोप है कि थाना सटई में रिपोर्ट नामजद की गई थी, लेकिन आज तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है और ना ही प्रार्थी गण को रिपोर्ट की नकल प्राप्त हुई है। और इसी बात से नाराज होकर तमाम ग्रामीणों ने, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, चौबे तिराहे पर चक्का जाम कर दिया। काफी देर तक ये जाम चलता रहा। एसपी छतरपुर की समझाइश के बाद परिवार के लोग और ग्रामीण माने। वहीं एसपी छतरपुर का कहना है कि मृतक के शरीर पर जो चोट के निशान थे, उसमें जो मेडिकल साक्ष्य थे या डॉक्टर की राय थी, वो स्पष्ट नहीं है। मामले की जांच की जा रही है और उसके अनुसार नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। 16 अक्टूबर को एक मत जांच के लिया गया था, जहां पे मृतक के शरीर पे तो चोटें थी, परंतु जो मेडिकल साक्ष्य थे या डॉक्टर की राय थी, उन्होंने पूर्णतः अभिमत नहीं दिया कि मृत्यु का कारण क्या है। बयान व साक्ष्य जो लिए गए हैं, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। जल्दी हमें बाकी सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी और इसमें जो विधि अनुसार कार्रवाई है उसको सुनिश्चित किया जाएगा। मांग कर रहे थे ये आरोप यदि अगर वो लगाते हैं तो उनकी जांच की जाएगी, परंतु अभी डॉक्टर के द्वारा ही ये राय स्पष्ट नहीं की गई है कि मृत्यु का कारण क्या है। तो जो भी है, पर इसमें जो सच्चाई है उस तक पुलिस पहुँचेगी। जी।